नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों के साथ। रायबरेली में जिला सहकारी बैंक के चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सहकारी बैंक के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के 13 प्रत्याशियों ने डायरेक्टर पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया। जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष पद के लिए भाजपा के पूर्व विधायक गजादार सिंह के बेटे विवेक विक्रम सिंह को प्रत्याशी बनाया है। जिला सहकारी बैंक के डायरेक्टर पद के चुनाव को लेकर सहकारी बैंक के पास पुलिस का कड़ा पहरा लगा रहा। काफी बड़ी संख्या में भाजपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता तथा डायरेक्टर का नामांकन करने वाले प्रत्याशियों के समर्थकगण मौजूद रहे। यदि बात करें जिला सहकारी बैंक के डायरेक्टर पद के लिए नामांकन करने वालों का, तो प्रमुख रूप से विवेक विक्रम सिंह एवं भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष सुशील शर्मा एडवोकेट समेत 13 लोगों ने अपने पर्चे दाखिल किए। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में निदेशक पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल हुए। डायरेक्टर पद पर नामांकन पत्र दाखिल करने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसका ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन द्वारा पुलिस के जवानों की मुस्तैदी की गई। इस अवसर पर पूर्व विधायक गजाधर सिंह, पूर्व विधायक धीरेन्द्र सिंह, पूर्व विधायक रामलाल अकेला, रवि चौधरी समेत बड़ी संख्या में भाजपा नेता मौजूद रहे। भाजपा के कार्यकर्ता पार्टी के जयकारे लगा रहे थे। मैं बाजे गाजे के भाजपा के डायरेक्टर पद के प्रत्याशी विवेक सिंह सहकारी बैंक पहुंचे और नामांकन पत्र दाखिल किया। उनके अलावा भाजपा के अन्य 12 प्रत्याशियों ने भी अपने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस से अरुण यादव की खास रिपोर्ट। किस पद के लिए आपने नामांकन किया? डायरेक्टर पद के लिए। क्या उद्देश्य रहेगा? सहकारिता आंदोलन को जन जन तक पहुँचाने का। अब बैठेंगे देखेंगे, अलग हो सकता है किसानों को अभी अभी लाभ पहुंचे, इसका केंद्र सरकार की योजनाएं हैं वो उन तक पहुँचे, उनका लाभ मिले। सरकार का बहुत बड़ा आंदोलन है, इसको और मजबूत करने का काम हम करेंगे। अब बैठेंगे बात करेंगे इसके लिए, अब आप तो नहीं बता सकते इसके लिए जी। भाजपा के सभी प्रमुख कार्यकर्ता हमारे साथ थे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ बड़ी खबरों के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।